नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे होली के लिए नमकीन नाश्ता। तो ये हमने 500 ग्राम के करीब गेहूं का आटा ले लिया है और ये हम क्रश करके अजवाइन डाल देते हैं। इस तरह से डालने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये हम कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। और ये हम स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं और ये हम रिफाइंड का तेल मिला ले रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। तो हमने 5-6 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम आटे को मसल लेंगे। इस तरह से करने से हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। तो देखिए, अगर आटे में आपके इस तरह से मुट्ठी बंध जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा मोवन ठीक है। अब हम इसे पानी से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। हम आटे को ना ही ज़्यादा गीला रखेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त रखेंगे। तो देखिए, हमने आटे को गूंथ लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिसमें ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, 10-15 मिनट हो गए हैं, हम आटे को फिर से मसल लेते हैं। इस नाश्ते को हम बिना बेले ही बनाएंगे। तो इसे हम गोल गोल लोई की तरह बना लेंगे। तो अब हमारा परफेक्ट आटा बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाही चढ़ा दिए हैं। कढ़ाही में हमने तेल डाल दिया है। तेल को हम चेक कर लें कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये पहले हम पूरी ये अग्नि देवता को दे देते हैं। अब हम इस तरह से कैंची की सहायता से, कैंची हमारी किचन वाली है, तो इस तरह से हम काटते जाएंगे। और ये बहुत जल्दी नाश्ता बन जाता है, कम समय में भी और मेहनत भी कम लगती है। इस तरह से हम काटते जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी ये कट जाता है। और इसे हम उलट पलट के धीमी आंच पे पका लेंगे। तो देखिए, ये हमारा नाश्ता पक चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप जिस प्लेट में निकालें उसमें आप कागज डाल लें या फिर टिश्यू पेपर हो तो डाल लें, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा ऑयल उसी में सोख लें। इसी तरह से फिर से हम कैंची से काट काट के डालते जाएंगे तेल में। तेल में जब भी आप डालें तो थोड़ा सावधानी से डालें, जिसमें तेल की छींटे आपके हाथ पे ना पड़ें। इस तरह से हम घुमा घुमा के काटते जाएंगे। तो
और इसे भी हम उलट पलट के पका लेंगे। इसे हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा नाश्ता पक चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा लास्ट नाश्ता बचा है, इसे भी हम पका लेंगे। तो ये नाश्ता हमारा बहुत जल्दी बन गया है, ये झटपट से बन जाता है। इसे हम उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से पक चुका है नाश्ता, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो हमारा सारा नाश्ता बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से इस नाश्ते को बनाइए और खाइए, यह खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।